सेनेट की दो नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए मैदान आज सजेगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब असेंबली में होगी। पंजाब असेंबली का काट होना लाजिम करार। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल का नून लीग के सऊद मजीद से मुकाबला है और ऐसे में खवातीन की नशिस्त पर सेमी एसी और नून लीग की सारा अफजल ताराड़ आमने सामने है। इलेक्शन कमीशन ने जाबता भी जारी कर दिया है। सेनेट की दो खाली नशिस्तों पर पोलिंग आज पंजाब असेंबली में होगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए जरूरी हदायत जारी कर दी। मरासला में कहा गया है कि रुकने असेंबली के पास पंजाब असेंबली का कार्ड लाजमी होना चाहिए। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन और कैमरे ले जाने पर पाबंदी होगी। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। वोटिंग खुफिया राय शुमारी की बुनियाद पर होगी। तहरीक इंसाफ ने वलीद इकबाल और सिमी इज़दी जबकि मुस्लिम लीग नून ने सऊद मजीद और सायरा अफजल तारड़ को टिकट दिया है। सेनेट की दो नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की सादिया अब्बासी और हारून अख्तर की नाअहली के बायस खाली हुई। कैमरा टीम के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़।